419 हो रहे हैं और यहाँ पे मोबाइल ये भी डेड है और जिससे मैं काम कर रहा हूँ वो भी डेड है, तो मैं क्यों जिंदा हूँ? बैग हमारा इतना छोटा है और सामान समझ ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्या क्या सोचा था कि यार इस तरीके से ब्लॉग बनाऊंगा, लेकिन टाइम ही नहीं था। आज पूरा दिन कपड़ों के काम में, शूज लेने थे तो कुछ भी नहीं कर सकते। वाजिद से पूछते हैं, अगर उसके पास कोई बैग हो गांव से लेके आया वो, तो वो लेके जाना पड़ेगा। क्यों? अबे यार लेकिन ये तो सो रहा है। बैग बैग नहीं पड़ा हुआ, ये आप कब करने थे ना? वो छोटा है ना, बस चलो वो ही दे दो फिर। और कोई ऑप्शन नहीं था, बट आई प्रॉमिस दिस इज द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम, पक्का। इतने सारे शूज, सॉरी भूल गया था। और टाइम बाद जा रहे हैं तो मजा करके ही आना है और अपने आप को बहुत सारे सरप्राइजेस और गिफ्ट देने हैं। ओके चल, ले टाइम नहीं है, मैं बता रहा हूँ। Let's go. कर दिया भाई, इस्लामाबाद की टिकट करा ली और लाहौर जाना था। क्या है रसेन? ये भी आके हमने यहाँ पर चेक किया है, 670 जो कि इस्लामाबाद जा रही है। हाँ यार ये बहुत बुरा हुआ यार। चलो कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस्लामाबाद की टिकट यार मैं कैसे कर सकता हूँ यार, मैं व्लॉग एडिट कर रहा था और ना सोते हुए यही होता है बस। और मुझसे कहा ये लाइटर वापस दे के आएं, मैं कैसे दे के आऊँ, ये कोई आम लाइटर नहीं है। अब ये चेक करो कि मेरा नाम लेके बोला गया है, नहीं आ रहे तो ये फ्लाइट उड़ जाएगी। फाइनली वी आर इन इस्लामाबाद, जहाँ पे हमें आना ही नहीं था। ठीक है, मुझे समझ ही नहीं आया यार, पूरे रास्ते समझ नहीं आया, क्योंकि मैं सो रहा था ना, इसलिए नहीं समझ आया। Stop it. Get some help. चलो भाई अब बैग का इंतज़ार कर लें, नहीं पता कि अब होगा क्या, मतलब इस्लामाबाद आउट ऑफ दी बॉक्स और मुझे फैसलाबाद जाना है। ओ भाई जल्दी आ जाओ, और मुझे याद भी नहीं है कि मेरा बैग कौन सा था। भाई सर्दी है भाई यहाँ पे, मैं कुछ भी नहीं लाया अपने साथ, इतना लॉस हुआ है ना, यकीन करें। लाहौर में भी गाड़ी खड़ी हुई थी, आ गया इस्लामाबाद और इस्लामाबाद में भी गाड़ी आ गई। ये नहीं, रुक जाओ। चलो जी लेट्स गो। सलाम वालेकुम। घर पहुंचता हूँ, उसके बाद सुकून से बात करता हूँ और बताता हूँ सीन है क्या एक्चुअली। फाइनली रीच्ड, पे जाए जा रहे हैं, सफ़र ख़त्म नहीं हो रहा हमारा। मैं आँख खोलता हूँ ना, हमारा रास्ता चल रहा होता है, जैसे पाकिस्तान टूर पे मैं निकला हूँ। एक बार ऐसा भी प्लान बनाएंगे अकेले पाकिस्तान टूर, वो एक वो पहुँचते हैं इन खेतों को एंजॉय करते हुए। Two hours later.
ऐसा है कि आप लोग बोल रहे हो कि क्या चल रहा है, समझाओ तो, बताओ तो। मैं आया हुआ हूँ फैसलाबाद क्योंकि मिर्ज़ा फैमिली की तरफ से हमें इनविटेशन थी और जो कि हमें लाजमी जाना था। और आज है बॉलीवुड नाइट। बॉलीवुड नाइट बोले तो करेक्टर बनना है, करेक्टर बनना है बोले तो शाहिद कपूर बनना है। खैर, एसटी क्लोथिंग ने एंड कर दिया और न्यू स्टॉक आ रहा है रमजान और ईद कलेक्शन। करेक्टर बनना है तो लेट मी शो यू व्हाट आई एम वेयरिंग टुनाइट। तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया बैठी। सर्दी है ना, मैं ही समझ रहा हूँ, पता नहीं कैसे क्या होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी होप फॉर द बेस्ट। रेडी होते हैं और फिर मिलते हैं, टाइम बिल्कुल भी नहीं है। ट्राई करते हैं ब्लैक पेन के। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे और ये लोग, मेरा कैसा लग रहा है, मुझे बहुत सर्दी लग रही है। दूरी माधुरी माधुरी सर्दी लग रही है। आते ही सबसे पहले वाला काम तो मेरा ये था, उसके बाद देखूंगा मैं दूसरी बात। बहुत सर्दी लग रही है, चप्पल ऑन करके रहूंगा अच्छे से, लेकिन हीटर के पास से जाने का दिल ही नहीं कर रहा मेरा। यहाँ पे मैडम की रील चल रही है। शफीक अहमद, चलो गाइस फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं, आ जाओ। सॉरी, बहुत मुझे पता है छोटा सा और बिखरा हुआ व्लॉग था, लेकिन जैसे तैसे करके हम लोग यहाँ पे पहुँचे और इवेंट अटेंड किया है। तो आई होप यू लाइक इट। लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी सारे इवेंट्स अच्छे से कवर करने की कोशिश करूँगा क्योंकि बहुत हबड़ा दबड़ी थी, ठीक है। और दो चार सरप्राइजेज़ हैं जो कि आने वाले हैं, नींदों में हो रहा हूँ तो अभी सोता हूँ, कल बताता हूँ।